हाय राजू जी, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर CSA सिने सिंगर्स एसोसिएशन टीवी पर आपका स्वागत है। राजू जी, हम क्योंकि आपकी एक म्यूज़िकल जर्नी और इन सब से रिलेटेड, आज सिंगिंग से और आपके म्यूज़िक से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, आपकी जो अपब्रिंगिंग रही, क्या वो एक आपको हेरिडिटरी कुछ एक विरासत में म्यूज़िक मिला है, या क्या आपका चाइल्डहुड कैसा रहा? मैं लकी रहा हूँ कि मेरे पिताजी भी यही लाइन में एज ए म्यूजिशियन रहे और उन्होंने एस डी बर्मन, सी रामचंद्र जी, शंकर जय किशन, इन सब के साथ में काम किया हुआ है। आई मीन एंड एज द आगे आगे सब आर डी बर्मन, लक्ष्मण प्यारा जी, सबके साथ काम किया हुआ। एंड मेरे चाइल्डहुड में मुझे गाने सुनने मिलते थे जहाँ पर मुझे मालूम पड़ता था मेरे डैडी ने ये बजाया हो गया, तो उस टाइम के सब गाने कान में पड़ते थे बचपन में। तो आई गेस आई बीन लकी के सेम लाइन में होना, तो एनवायरनमेंट हो रहा है एंड आई फील इट्स लकी। एक राजू जी, अपने जो शुरुआती आपका करियर रहा होगा एज म्यूजिशियन, क्योंकि आपने कहा कि आपको विरासत में म्यूजिक मिला है, तो जब आप म्यूजिक लाइन में प्रोफेशनली आए, तो मतलब इनिशियली सिंगिंग तो आपके अंदर थी ही, लेकिन उससे अलावा आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन रहे हैं और म्यूजिक कंपोजर भी रहे हैं सफल, तो आपने इंडियन और विदेशी कई कलाकारों के साथ काम किया होगा, तो कुछ एक उसका ब्रीफ में बताएं। ये एक्चुअली मैंने शुरुआत की थी एज अ म्यूजिशियन। सो एज अ म्यूजिशियन सब म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ बजाने का चांस मिला और डिफरेंट आर्टिस्ट, जब मैग्ना साउंड्स के साथ थे, वर्जिन रिकॉर्ड्स के साथ में उस टाइम पे, दिस इजिप्शियन म्यूजिशियंस, उनके साथ में कोलैबोरेशंस। जो म्यूजिशियन होने के बाद आई गॉट टू कंपोजिंग एंड एज अ कंपोजर आई यूज टू सिंग माई थिंग्स। तो जितने भी सिंगर आते थे या सिंगर फ्रेंड्स हैं जो भी, तो खुद बोलते अरे व्हाई डोंट यू सिंग, व्हाई डोंट यू सिंग। तो मैं हमेशा लेकिन जैसे एक क्रिटिक होता है, अपनी आवाज़ कभी पसंद नहीं आती तो वो मेरे दोस्तों जितने भी सिंगर फ्रेंड्स थे, वो उन्होंने एक वो आदत छुड़वाई कि स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड जस्ट सिंग, जस्ट एंजॉय। तो वो कहीं ना कहीं एक टाइम आने पे टूटा एंड देन दैट्स व्हाट हाउ आई गॉट इनटू सिंगिंग। सो सिंगिंग बोल सकते हैं जस्ट हैपेंड टू मी। सो मैंने बहुत सिंगिंग सीखी नहीं है, मतलब सिंगिंग क्लासेस या मैंने किसी से सीखना वो नहीं है। इट्स जस्ट अ नेचुरल थिंग बिकॉज ऑफ म्यूजिक बीइंग देयर एंड एवरीथिंग एंड लकीली एज अ कंपोजर आई कुड सिंग लिटिल। सो लेकिन जितना भी हमने सुना है बहुत अच्छा गाते हैं। पता नहीं, मैं जब गाता हूँ मुझे नहीं सुनाई देता, आपको सुनाएंगे अच्छा, एक आपकी सिंगिंग से हटके एक और क्वेश्चन है कि रिलेटेड भी है, कि क्योंकि आप एक सफल म्यूजिक कंपोजर भी हैं, आप बैकग्राउंड्स में आपने कम से कम 100 से ऊपर फिल्में की हैं, उसकी सबसे पहले तो बधाई, और पीछे ही कुछ कुछ महीनों पहले आपकी 100वीं फिल्म रिलीज हुई थी, तो क्योंकि आप का वास्ता सिंगिंग से काफ़ी पड़ता है, बैकग्राउंड में भी आलाप्स और ये सब चाहिए होते हैं, और जब आप गाने कंपोज करते हैं तब भी आपको सिंगर की ज़रूरत पड़ती है, तो एक सिंगर में आप क्या देखते हैं जब आप एक ट्यून बनाते हैं, या एज अ म्यूजिक कंपोजर या एज अ म्यूजिशियन, एक सिंगर के अंदर आप क्या देखते हैं कि उस लड़के में या उस लड़की में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सी एज ए कंपोजर मैं बोल सकता हूँ कि अलग अलग टाइप के सिंगर्स होते हैं। व्हेन अ सिंगर कम्स, कोई ऐसे कंपोजर को कॉपी करता है कि एग्जैक्टली जैसे गा रहे हैं वैसे का वैसे गाओ, तो भी कंपोजर खुश रहता है क्योंकि एटलीस्ट जो मैंने किया था वैसे ही गा रहा है, मेरा गाना एकदम से अलग नहीं हो रहा। कोई सिंगर जिनमें काफ़ी खूबियाँ होती हैं वो ये देखते हैं कि ये कंपोजर ने जो कंपोज किया उसकी जिस्ट क्या है, उसका सोल क्या है, और ये हाउ इज़ द कंपोजर सिंगिंग इट, बिकॉज बनाने वाले को पता होता है ये गाना कैसे किस मोल्ड में गा रहा है। तो वो सिंगर उसको लेके उन चीज़ों को रखते हुए उसको अपना स्टाइल दे के विद इन द स्पेक्ट्रम के गाना
गाने के बाउंड्री के बाहर नहीं जाए, गाना वही गाना लगे, तो वो एक अलग सी चीज़ होती है. बिकॉज एक कंपोजर भी जब बना रहा होता है तो उसमें कई बाइंडिंग्स होती हैं चीज़ें, बिकॉज वो एक सिचुएशन के लिए बन रहा होता है, लिरिक्स की बाइंडिंग्स हो जाती हैं ये वो. तो जब सिंगर उसको निखारता है अलग अलग वेज में, तो ऐसी फीलिंग आती है ओ वाओ, द सिंगर्स टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल, यू नो. तो उस टाइम बहुत खुशी होती है कि योर चॉइस ऑफ द सिंगर सही हुई है. और ऐसा नहीं होता कि गाना बना और किसी भी सिंगर को लगे जो फ्री है, ऐसा नहीं होता. यू ऑलवेज फील कि यार ये मैं जो गा रहा हूँ, या फिर इमेजिन कि ये सिंगर जब गाएगा तो यू नो व्हाट विल माय सॉन्ग साउंड लाइक. और कभी भी तो ऐसा होता बनाते वक्त वो आवाज़ कान में गूंजती है कि यार ये तो ये सिंगर के डायरेक्शन में जाए, इसका ही गाना है, ये ही गाएगा. और फिर तकलीफ होती है कि अगर वो सिंगर अवेलेबल नहीं है तो दूसरे से गवाना, बट फिर भी वी हैड सच ग्रेट सिंगर्स विद इन. आई एम सो हैप्पी टू हैव सच ब्रिलियंट सिंगर फ्रेंड्स, बिकॉज स्पेशली दिस जनरेशन, आई मीन लाइक अभी की बहुत अच्छे गाते हैं अब, लेकिन पहले एक प्लेबैक सिंगिंग होती थी, विच आई फील टुडे प्लेबैक सिंगिंग कम हो रही है, सिंगिंग हो रही है. And I think the new generation should pick up what playback singing is, because film, possibly film making style has also changed. तो वो भी बात है. अच्छा, जैसे एक सिंगर में आप अपन पिचिंग देखते हैं, यू नो प्रेजेंटेशन देखते हैं, थ्रो देखते हैं, फीलिंग देखते हैं, तो आप इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये कि वो सिंगर को जो जिस लैंग्वेज में गा रहा हो वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए सबसे पहले. करेक्ट. बिकॉज अगर यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप वर्ड से बोल क्या रहे हो तो हाउ विल यू मीन इट. करेक्ट. गाना है क्या? गाना इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कन्वेइंग इट टू द लिसनर, स्पेशली बॉलीवुड. और अगर आपको वर्ड ही समझ नहीं रहे हो तो हाउ विल यू एक्सप्रेस ऑन इट. करेक्ट. इट्स लाइक कभी कभी बोला होता है, जैसे हम लोग गाना होता है ना, जो मैंने गाने की तरह सोनी हूँ सोनी हूँ तू तू दे तू बस, एक पॉज लेना था क्योंकि बस इतना ही. सो ये सब चीज़ें सिंगर भी अगर लैंग्वेज की वो सब बातें समझता तो ही वो दे पाएगा, अदरवाइज तू बस दे दे. बाय द वे, ये जो गाना है ये हमारे मेंबर ही हैं, सोनू निगम जी, उन्होंने ही गाया है और बहुत बखूबी निभाया था, और आपने गाना भी बहुत बेहतरीन बनाया था. जो सिंगर्स कम्युनिटी है, ख़ास करके हमारी जो सिने सिंगर्स हैं, मतलब जो फिल्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप क्या प्रॉस्पेक्ट देखते हैं कि जो फिल्म सिंगिंग आजकल चल रही है उसका क्या प्रॉस्पेक्ट है? To be able to predict क्या अभी what is the thing, because कुछ सालों में काफ़ी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था प्लेबैक सिंगिंग, और अब सॉन्ग सिंगिंग हो रही है. नथिंग इज राइट रॉन्ग, ऐसे कुछ नहीं होता. जो जो रिक्वायरमेंट, नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द टाइम जैसे चेंज होता है, दैट्स व्हाई आई सेड पॉसिबली फिल्म मेकिंग स्टाइल हैज चेंज्ड. अब पहले ऐसा होता कि पिक्चर के लिए गाने बनते थे, पिक्चर के सिचुएशन के लिए गाने बनते थे, अब ऐसा होता कि यार ये चार सुपर गाने अपने पास, इसके हिसाब से स्टोरी बनाओ. देयर इज नथिंग, अगेन आई विल से देयर इज नथिंग कॉल्ड, मतलब द एवरीवन इज गोइंग विद द फ्लो. यस, एवरीवन इज. ओके, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, अब आपने यही पूछा था कि सिंगर्स का आगे फ्यूचर या इस लाइन में ये क्या है. I would say it's become a very tough game for everybody, because जब से ये talent shows, singing talent shows ये सब आए, I think it's shocked all of us कि इतने अच्छे singers हर घर में हैं. आप बड़े ले लो, आप teenagers ले लो, या बच्चों में भी, मतलब इतने अच्छे अच्छे singers हैं. So अब सबके लिए वो काम उतना क्रिएट होना, ये ऊपर वाला कर दे तो अच्छा है, क्योंकि एवरीबॉडी सो सिंगिंग सो. राजू जी, आप सीएसए के, सीनियर सिंगर एसोसिएशन के मेंबर हैं,
आप कैसे देखते हैं कि सीएसए अपने जो मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबरान हैं, उनको सीएसए हेल्प कैसे कर सकती है? तो कहीं ऐसा कुछ है जो आपको लगता हो कि ऐसा इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए फ्यूचर में? वेर एज सी एस एज कंसर्न, आई थिंक आप सी एस ए कहो, सीएमए कहें, सीएमए इज सिने म्यूजिशियन म्यूजिशियन एसोसिएशन। एसोसिएशन, ऑल दीज, जब से गाने बन रहे हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, तब से म्यूजिशियंस की एसोसिएशन रही है, सिंगर्स की एसोसिएशन रही है, म्यूजिक डायरेक्टर्स की एसोसिएशन रही है। आई थिंक जब से ये बनी है एंड एवरीबडी स्ट्रेट टू स्टिक टू देयर रूट्स कि किस लिए बनी थी, और ये सब उसका रिचनेस होल्ड करके रखना, उसका राइट बी राइटर्स बनाना। बट आई थिंक थोड़ा सा हम नई जनरेशन इसमें आए, वी नीड टू अंडरस्टैंड, यस वो रखना है, जैसे वो सोल वही रहनी चाहिए, द रीज़न वही रहना चाहिए, लेकिन अब बहुत सारे फील्ड्स ओपन अप हो गए हैं। जैसे पहले सिने, सब कुछ सिने था, सिवाय बिकॉज सिने फिल्म, अब तो फिल्म के अलावा भी देयर्स नॉन फिल्म सॉन्ग्स, देयर्स टेलीविजन, जिंगल्स, एड जिंगल्स, देयर लॉट लॉट्स ऑफ लाइव इवेंट्स, एवरीथिंग। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन हमको अपना माइंड ओपन करने की जरूरत है ऑल दीज एसोसिएशंस टू बी एबल टू केटर टू एवरीबडी इन डिफरेंट फील्ड्स। देयर आर म्यूजिशियंस इन ऑल दीज फील्ड्स, डिफरेंट फील्ड्स, देयर आर सिंगर्स इन एवरी फील्ड, देयर आर कंपोजर्स इन एवरी फील्ड, एंड उस फील्ड के सिंगर की प्रॉब्लम समझना दूसरे फील्ड में ना शायद नहीं समझ पाता, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग मैनरिज्म ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से सी एस से कैन टेक अ मेजर रोल इन टू डेवलपिंग इट्स सब डिविजन्स टू अंडरस्टैंड एंड लेट दोज पीपल कम ऑन टू बोर्ड एंड सॉल्विंग देयर ओन फील्ड के प्रॉब्लम्स। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा सुझाव है राजू जी, ये अपनी मीटिंग में, बोर्ड्स में आगे रखी जाएगी, बहुत अच्छा सुझाव है। आप सिंगिंग से भी काफ़ी, अब मैं वापस सिंगिंग पे आ रहा हूँ आपके, कि आप सिंगिंग से जुड़े हुए हैं, तो कुछ कितने एक गाने आपने गाए होंगे फिल्मों में, एल्बम्स में, एक अंदाज़ा के? फिल्म में तो मैंने सिर्फ दो ही गाने गाए, बट माय टेलीविजन सीरियल्स एंड ऑल दैट, उसमें अगर कुछ गाने होते तो वो गाने गा लेता हूँ, बाकी आलाप्स एंड ऑल दैट फॉर माय फिल्म बैकग्राउंड्स और दिस थिंग। लाइक आई सेड, सिंगिंग हैज जस्ट हैपेंड टू मी एंड आई माई सेल्फ डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ रियली गुड सिंगर और समथिंग, बिकॉज मैंने अपनी सिंगिंग में मांझा नहीं है, जैसे एक कोई भी स्किल को। मैं फिर कहूंगा, फिर भी आप बहुत अच्छा गाते हैं। कोई एक गाना है जो आप जब सुनते हो तो ऐसा लगता हो कि यार ये गाना अगर मैंने गाया होता, कोई एक ऐसा गाना है? क्योंकि मैंने कहा कि मैं खुद अपने आप को अच्छा सिंगर नहीं मानता, तो मैं कभी ये सब गानों को अपनी वॉइस में इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये डिप्लोमेटिक सिंग दो सॉन्ग्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट नेवर इमेजिनड कि इनके जगह मैं। तो ये बता दीजिए आपका फेवरेट गाना। किशोर दा के मतलब मैंने गाया होता ऐसा कुछ नहीं, फेवरेट गाना कौन सा रहा? चलिए मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ। ऐसे तो एक कोई बहुत जो आप हमेशा गुनगुनाते हो। अब हमने थोड़ी देर पहले सोनिया की बात की थी, तो सोनिया सोनिया, ये गाना बनाने के लिए जो रेफरेंस गाना दिया गया था मुझे, एक होता ना कि यार इस टाइप का गाना ये बना सुन, तो वो गाना मुझे बहुत पसंद भी था। और वो था जब कोई बात पिघल जाए, राजीव रोशन साहब, है ना? तो अब मैंने जब वो सोने बनाया तो ये ध्यान में रखा था कि यार पहली चीज तो ये जो कह रहा है गाना ऑफ कमिटमेंट, वो भी गाने में निकल के आना चाहिए, तो ये जस्ट उठाई थी और उसकी एसेंस भी होनी चाहिए। हाँ, बस वो आइडिया था। तो दैट्स इट, लाइक वो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने एक साल आपको हो गए इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में? हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में। आई स्टार्टेड एज अ म्यूजिशियन इन 83। ओहो, 83, 84। आई प्लेड एज अ म्यूजिशियन, मेरे को मुझे इंट्रोड्यूस किया था उत्तम सिंह जी ने, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आई कुड कम इन, यू नो। तो इतने साल होने के बाद भी जब कभी आप स्टेज पे जाते हो या कभी परफॉर्म करना होता हो, मैं आपके यहाँ म्यूजिक रूम में फोटो देख रहा हूँ, आपके हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं,
तो ऐसे जब मोमेंट्स आते हैं तो कुछ नर्वसनेस होती है आज भी इतने साल गुजारने के बाद? सिर्फ मुझे जब गाना हो तो क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मैं जो भी गुनगुनाया मेरा अपना गाना भी गुनगुनाया, मुझे वर्ड्स नहीं याद है, सो दैट इज अ मेजर इश्यू. ओके, सो दैट्स व्हेन आई हैव टू, यू नो, पता नहीं शायद आदत नहीं, क्योंकि क्या एज अ कंपोजर हमेशा इतने साल म्यूजिशियन एंड बीइंग अ कंपोजर हमेशा डा 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 यही करते रहे, तो मुझे लगता है शायद बॉडी में वर्ड्स के साथ गाना जब प्रॉब्लम कर रहे हो तब हो जाता, बट समहाउ ना कभी सोच ही नहीं थी कि ये गाना कभी खड़े होकर गाना है. बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली अगला रियाज पे था, लेकिन अब मैं वो रियाज वाला क्वेश्चन पूछूंगा नहीं, क्योंकि अभी जैसे आपने गाया तो आपके सुर बहुत अच्छे लगे, तो वो रियाज, क्योंकि जब आप ट्यून बनाते हैं एज अ कंपोजर, तो मेरे हिसाब से आपका रियाज तो मोस्टली गाने बनाने में या उस वक्त ही आपका गला ट्यून्ड अप हो जाता है. मैं आपसे ये पूछूंगा कि कभी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जो मेमोरेबल आपका एक इंसिडेंट रहा हो, कुछ रिकॉर्डिंग में या शो में या कहीं शूट कर रहे हो, कोई ऐसी यादगार लम्हा है कोई जो आपको एक थोड़ा सा याद आता हो और हमारे मेंबर्स को बताना चाहें आप? I have been the lucky one to, when I started, उस टाइम पे सब म्यूजिशियन साथ में बजाते थे एंड सिंगर यूज्ड टू सिंग, तो रिकॉर्डिंग साथ में होती थी, सुबह 8:30 बजे शुरू होती थी, 8:30 हम पहुँचते थे 9 बजे की शिफ्ट जो भी, तो 1:30 बजे पैकअप हो जाता था. एंड उस जमाने में 1:30 बजे के बाद में ओवर टाइम शुरू होता था, तो आई एम स्टिल अमेज्ड कि मैंने इतने साल सब म्यूजिशियन के साथ ये फॉर्मेट में काम किया, लेकिन आज जिस हिसाब से काम होता है मैं सोचता हूँ कभी कभी हम 9 बजे शुरू करते हैं, 9 बजे सीधा कंडक्ट, अभी जो अरेंजर के टेबल पे सब लोग लिख रहे होते थे, इन हाफ एन आवर्स टाइम सब लोग ने लिख लिया, इन अनदर हाफ एन आवर्स टाइम ईच ईच सेक्शन ने रिहर्सल कर लिया. ओके, ये उस वक्त बता रहे हैं, उस वक्त 10:30 बजे तक या 11 बजे तक तो सब सेक्शन ने अपना वो कर लिया, और 11 बजे तक शायद एक टोटल रिहर्सल ऑफ द म्यूजिशियंस हो जाती थी, फिर उसके बाद में द कंपोजर यूज टू कम, ही वुड लिसन टू इट, सिंगर यूज टू कम, सिंगर के साथ स्टैंडिंग देयर रिहर्सल हो जाती थी, देन उसके बाद में बैलेंसिंग होती थी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट ये सब, एंड सिंगर यूज टू बी सिंगिंग लाइव फ्रॉम इनसाइड, हेडफोन चेकिंग भी उसे भी हो जाती थी, और 1:30 बजे पैकअप होता था. And today is amazing to tell you the story also because अभी believe नहीं होता कि ऐसा हो सकता, क्योंकि एक ही गाना हम 3-3, 4-4 दिन लगा. तो ये आपकी मेमोरी हो गई है अभी कि I feel so lucky कि मेरी शुरुआत ऐसे टाइम में हुई, and the whole transition के आसपास से technology change, everything being able to work with Panchamda, being able to work with Kalanjaran ji, इन सब को के साथ काम करने का मौका मिला, और I think ये मैं इतनी सारी memories को as one and memory bol raha hu kyunki main jaanta hu aapko us 96 minutes mein real ek koi best musical quote hai jo aapke dimag mein hamesha rehta hai ki jo aapko inspiration deta ho for singing. What I have noticed, even my children, even the other kids I've seen, they all judge themselves too much, and wo galti main kar chuka hu, bahut time se ga raha hu as a composer, हमेशा अपने आप को जज करते रहा कि नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, नहीं 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 कर रहा हूँ, आई थिंक लेट इट लूज, सामने वाला जो सुन रहा है उसको जज करने दो, आप क्यों जज कर रहे हो, आप गाओ और इन्जॉय करो, आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इतना ध्यान में रखना कि नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, कैसी लग रही आवाज़ मेरी, नहीं, आई थिंक वो सब छोड़ दीजिए, वो सुनने वाले में छोड़ दीजिए, खुद इन्जॉय करिए उसको, गाइए. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. हर एक आदमी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, तो कभी अगर ऐसा कुछ हो कि कहीं कुछ रिजेक्शंस हो गए हों या कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा सा कुछ डिप्रेस्ड मोमेंट्स आ रही हों, तो आप अपने आप को संभालते कैसे हैं, क्या म्यूज़िक आपको उसमें हेल्प करता है या
ये आपने बहुत पॉजिटिवली और हंसते हुए बोला, तो ये मेरे हिसाब से यही सबसे पॉजिटिव चीज है. मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस वक्त आपको दुनिया भर के कई अपकमिंग सिंगर्स देख रहे होंगे, इंडिया के कई सिंगर्स देख रहे होंगे. तो एक आपने बहुत अच्छी बात हंसते हुए बोल दी कि आपको उस वक्त म्यूजिक बनाना चाहिए या सैड म्यूजिक बनाना चाहिए, क्रिएटिविटी है. वेरी नाइस. एक आखिरी क्वेश्चन है राजू जी के, जो अभी आपको अपकमिंग उभरते हुए कलाकार देख रहे हैं इस वक्त हमारी सिने सिंगर एसोसिएशन टीवी यूट्यूब के जरिए, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए या वो कैसे इस फील्ड में आगे बढ़े? मेरे ख्याल से दे शुड वीव द पाथ, यू नो, उनको ही रास्ता बनाना चाहिए. Whoever's got the strength, they should become part of the board of CSA. New generation knows how things are happening in the world, everything. They should take an active part in making the whole association scenario much better. And it's not only association, it's about the community. It's about you want to live and you want all singers to be able to do and be in a better situation. So I think उनको interest लेना चाहिए सब चीजों में और करना चाहिए. And बाकी I have already told you, stop judging yourself on how you sing, just let the person listen to. राजू जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत उम्दा टिप्स मैं समझता हूँ कई नए सिंगर्स को मिले होंगे और बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. एंड दैट्स ऑल वी कैन डू, वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंसेस जो हमने सही किया और हमको नतीजा मिला या हमने गलतियाँ की, वो हम शेयर कर सकते हैं अपने न्यू कॉमर्स के साथ. जस्ट द वे यू हैव टेकन अ स्टेप संजीव जी, कि आपने अब मेंबर टू मेंबर्स ये सब ज्वाइन करेंगे, एक दूसरे तक एक दूसरे की बातें पहुँचे. एंड यू नो सी एस सी का आप ये जो न्यूज़ लेटर का जो कर रहे हैं, ये आप जोड़ रहे हैं हम सबको, विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग. एंड आई थिंक दिस इज फॉर द स्पिरिट इज. थैंक यू राजू जी, हम आपका एक आपकी सीनियोरिटी को देखते हुए आशीर्वाद के रूप में हम लेते हैं और सी एस ए को जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं समझता हूँ आप हमेशा आगे रहेंगे. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. I'd love to be the oldest newcomer. Thank you very much. Thank you.